नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं कोलकाता के उस प्रसिद्ध स्मारक के बारे में जानने जो अपने अंदर अंग्रेजी शाही हुकूमत के दास्तां को समेटे हुए है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। रानी विक्टोरिया का कार्यकाल 1901 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। विक्टोरिया संग्रहालय राजस्थान के मकराने से लिए गए संगमरमर से निर्मित है। संग्रहालय का विशाल गुंबद चार सहायक अष्टभुजी गुंबदनुमा छतरियों से घिरा हुआ है। इसके ऊंचे खंभे, छतें और गुंबददार कोने वास्तुकला की भव्यता की कहानी बयां करती है। यह मेमोरियल 338 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े स्थान में निर्मित भवन के साथ 64 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय वास्तुकला का पूरा श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है, जिन्होंने इस संग्रहालय को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम एमर्सन को चुने थे और जिन्होंने अत्यंत प्रसिद्ध मेसर मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता के लिए भवन की संकल्पना और योजना बनाई तथा निर्माण का कार्य कराया है। विक्टोरिया मेमोरियल वेस्टर्न एंड मुगल आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतालवी डिजाइन के स्मारक और मुगल शैली के गुंबद का समावेश करके सर विलियम एमर्सन ने विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन तैयार किया था। इस प्रकार के आर्किटेक्चर स्टाइल को इंडो सार्सनिक रिवाइवलिस्ट स्टाइल कहा जाता है। यह स्मारक 1921 में बनकर तैयार हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था। बाद में इस जेल को अलीपुर शिफ्ट किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बड़े रचना के निर्माण के लिए भारतीयों द्वारा ही फंड जमा किया गया, जिसका कुल लागत 1.5 करोड़ रुपया था। विक्टोरिया मेमोरियल को सन 1921 में आम जन के लिए खोला गया था और 1935 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। इस स्मारक में 25 गैलरीज हैं, जिसमें रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, आर्ट गैलरी, सेंट्रल हॉल, स्टैचू गैलरी, हथियार और शस्त्राकार गैलरी और कोलकाता गैलरी शामिल हैं।
इसमें बहुत ही सुंदर 21 बगीचे भी सम्मिलित हैं जो 64 एकड़ में फैले हैं। इसके संग्रहालय में कुछ ऐतिहासिक चीजें संग्रहित हैं, जैसे टीपू सुल्तान की तलवार, पलासी की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी, अबू फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा, दुर्लभ डाक टिकटें आदि। धन्यवाद।